नहीं कहा मैं ट्रक तो Thank you.
माता की, भारत माता की। और यहाँ हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव 18 जून 18 जुलाई को संपन्न हुआ और 18 जुलाई के बाद आज हमारा वो रिजल्ट का दिन है। एक बड़े मार्जिन के साथ हम जीत हासिल किए हैं और आप सबों का, नागालैंड के सभी लेजिस्लेटिव मेंबर का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 100% वोटिंग दे करके और विजय में उनका एक महत्वपूर्ण रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसके लिए हम सभी जो हमारे नागालैंड लेजिस्लेटिव मेंबर है उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके शिक्षा के लिए बड़ी स्कूल, माध्यमिक स्कूल नहीं थी, सेकेंडरी स्कूल नहीं था, वैसे जगह से निकल करके आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन के आज वो देश की सबसे पहली नागरिक हो करके राष्ट्र को सुशोभित करने का कोई काम करेगा तो राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है। आज हम इस कदम में आगे बढ़े हैं। हमारा मानना है कि अगर भाजपा आगे बढ़ेगी तो साधारण परिवार, जो गरीब निचले दर्ज का है, उसको एक महत्वपूर्ण स्थान मिलने का अवसर प्रदान होता है। जो कभी कहते थे कि बड़े कोख पर पैदा लेने वाला ही व्यक्ति कोई बड़ा पोस्ट पर जा सकता है भारत का, उसका भ्रम आज हम लोगों ने तोड़ा है कि एक साधारण परिवार की व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकती है। जो परिवारवाद का राष्ट्र, जो देश में एक राजनीतिकरण पॉलिटिकल चला था, राज्यों में हो या केंद्र में हो, परिवार ही सब जगह हावी नजर आता था। एक बाहुबल, एक शक्तिशाली लोग ही हमेशा नजर आते थे। आज उस बाहुबल से, शिक्षा से, उस परिवारवाद से अगर कोई निकालने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी है और आप सबों के सहयोग से आज एक साधारण महिला एक बड़े पद पर बैठेगी। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाले परिवार से आते हैं, उसी प्रकार से जब आप द्रौपदी मुर्मू का हिस्ट्री, जब उनका आप लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एकदम साधारण स्तर से आने वाली महिला आज इस देश की राष्ट्रपति बनके हम सबों का सुशोभित, गौरवमंडित करेंगे।